हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में बात करेंगे बैंक्स अपडेट के बारे में। पिछले एक मंथ में बैंकों में क्या क्या अपडेट हुए हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला अपडेट है पेटीएम पेमेंट बैंक की तरफ से, जिसमें पेटीएम पेमेंट बैंक में पहले 6% का इंटरेस्ट रेट मिलता था फिक्स डिपॉजिट में, लेकिन अब वहीं पर घट के 5.5% हो चुका है। अगर आप पेटीएम पेमेंट बैंक में फिक्स डिपॉजिट अभी करते हैं तो आपको 5.5% के अनुसार एनुअल इंटरेस्ट रेट मिलता है फिक्स डिपॉजिट के ऊपर में। दूसरा जो अपडेट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करना जरूरी है। अगर आप पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो 30 जून के बाद आपको SBI में ट्रांजेक्शन करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी तक आपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आप लिंक कर सकते हैं 30 जून से पहले। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आधार लिंकिंग का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। दूसरा जो अपडेट है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से है। कुछ दिन पहले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में दो बैंक मर्ज हुए थे, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेट बैंक। अब कॉरपोरेट बैंक और आंध्रा बैंक की IFSC कोड हमेशा के लिए डिसेबल कर दिया जाएगा 30 जून तक। 30 जून के बाद आंध्रा बैंक और कॉरपोरेट बैंक का IFSC कोड यूजेबल नहीं होगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने नया IFSC कोड जारी कर दिया है। अगर आपका अकाउंट आंध्रा बैंक या फिर कॉरपोरेट बैंक में है तो सिंपल आपको अपने मोबाइल नंबर से इस नंबर पे SMS करना होगा। सिंपल आपको टाइप करना होगा IFSC, उसके बाद ओल्ड IFSC कोड, जो भी आपका पहले आंध्रा बैंक या फिर कॉरपोरेट बैंक का IFSC कोड है वो इस तरीके से टाइप करेंगे और अपने मोबाइल से सेंड करेंगे रजिस्टर्ड नंबर से, तो आपके मोबाइल नंबर पे आपके ब्रांच का IFSC कोड आपको सेंड कर दिया जाएगा। या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, जहां से आप देख सकते हैं कि आपके नियरेस्ट बैंक ब्रांच का IFSC कोड क्या है। अगला जो अपडेट है जियो पेमेंट बैंक की तरफ से है। जियो पेमेंट बैंक ने यहाँ पर ट्वीट किया है कि 70,000 से भी ज़्यादा लोकेशन में जियो पेमेंट बैंक ला रहा है। बहुत जल्दी ही आपको जियो पेमेंट बैंक का भी ब्रांचेस देखने को मिलेगा। था जो अपडेट है कैनरा बैंक की तरफ से है। कैनरा बैंक सुरक्षा पर्सनल लोन स्कीम यहां पे लाया है, जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं कैनरा बैंक के वेबसाइट पे। कैनरा बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सुरक्षा पर्सनल लोन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। पांचवा जो अपडेट है सिंडिकेट बैंक की तरफ से है। कुछ दिन पहले सिंडिकेट बैंक का IFSC कोड हमेशा हमेशा के लिए डिसेबल कर दिया गया था, और अब सिंडिकेट बैंक का स्विफ्ट कोड भी 30 जून तक ही वैलिड रहेगा। अगर आप इंटरनेशनली ट्रांजेक्शन करते हैं सिंडिकेट बैंक के थ्रू, नेशनल ट्रांजेक्शन करने के लिए स्विफ्ट कोड की ज़रूरत होती है, और अब सिंडिकेट बैंक का जो स्विफ्ट कोड है वो भी डिसेबल हो जाएगा 30 जून के बाद। इसके लिए कैनरा बैंक ने नया स्विफ्ट कोड जारी कर दिया है अपने वेबसाइट पर। अगर आपका अकाउंट इंडस बैंक में है तो इंडस बैंक की तरफ से भी एक नोटिफिकेशन आया है, जिसमें आपको आपके आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करना ज़रूरी है। ये 30 जून के पहले ही आपको लिंक करना चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ अपडेट थे बैंकों के। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह से और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल गाइस, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।